अब हम सबसे पहले हम इन सारे आमों में इस तरह के अगर शीशे के जार में आप इसको रखेंगे तो ये एक तो इसमें किसी भी तरह की स्मेल नहीं आती है, किसी भी तरह का फंगस, किसी भी तरह का ये अचार खराब होने का रिस्क कम रहता है और काफी लंबे टाइम तक आप इसको इजीली स्टोर करके रख सकते हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज है संडे, होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं जो व्लॉग लेकर आई हूँ आप लोगों के साथ, उसमें मैं शेयर करने वाली हूँ माँ से जो मैंने सीखा है इस बार हींग का अचार। लास्ट व्लॉग अगर आप लोगों ने देखा होगा आम के अचार का, होप कि आप लोगों को वो रेसिपी पसंद आई होगी। जिन लोगों ने भी वो व्लॉग नहीं देखा है वो जाके देख सकते हैं। तो आइए, बहुत ही ईजी, क्विक और बहुत ही टेस्टी रेसिपी मैं लेकर आई हूँ, तो मैं लेकर चलती हूँ। ये वीडियो मैंने पहले शूट कर दिया था तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ कैसे मैंने आज फर्स्ट टाइम अचार बनाया है। तो चलते हैं। कल 24 घंटे के लिए आम को रख दिया था, उसमें नमक डाल के, और फिर उसका जो पानी होता है उसको हमने निचोड़ के आज 2 घंटे उस आम को, कटे हुए आमों को हमने सुखा दिया था, हुए आम और इनको आज 2 घंटा हमने सुखा दिया है। ये आम बिल्कुल तैयार हो गए हैं हींग के अचार के लिए। और हींग के अचार के लिए हमें क्या क्या चाहिए जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। हमें चाहिए 3 चम्मच नमक, ये लगभग 2 किलो आमों का हींग का अचार बन रहा है, और ये लगभग है 3 स्पून लाल मिर्च, इसमें कश्मीरी मिर्च और देगी मिर्च दोनों मिर्च मिली हुई हैं। उसके साथ ही साथ है हल्दी, तो उसी के साथ हमने ले ली है हल्दी, हल्दी है 2.5 से 3 चम्मच, आप हल्दी भी ले लेंगे। और ये है हींग, और हींग आपको पता है हर तरह का आता है, हींग बांधनी हींग, कैच का हींग और बहुत अलग अलग तरह के हींग आते हैं, बट यहाँ पर हमने ये लिया है जो थोड़ा साबुत इस तरह का ठोस जो हींग आता है, इसकी स्मेल काफ़ी स्ट्रांग होती है, इसका जो एसेंस होता है काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो ये वाले हींग को आप बारीक कूट कर पीस कर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये वो वाला हींग आप देख सकते हैं दरदरा, ये बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं है और ये घुलकर मिल जाता है, इसमें आप इसको बारीक पाउडर भी बना सकते हैं। जिनके पास अवेलेबल नहीं है या नहीं है तो आप ये वाला हींग भी यूज़ कर सकते हैं, बट स्ट्रॉन्ग स्मेल और स्ट्रॉन्ग टेस्ट के लिए अगर आपको चाहिए तो आप यही वाला हींग मैं प्रेफर करती हूँ, यही वाला हींग आप यूज़ कीजिएगा। तो अब हम सबसे पहले हम मिला लेंगे इसमें नमक, और पूरा मिक्स कर लेंगे। साथ ही साथ हम अब मिलाएंगे लाल मिर्च। हाँ आप करो ना, मैं मिक्स कर दूँ। और अद्विता यहाँ पर मेरी हेल्प कर रही है। लाल मिर्च डाल दिया है मैंने इसमें, और उसके साथ ही साथ अब हम डालेंगे हल्दी। जिनको स्पाइसी बहुत ज़्यादा नहीं पसंद या मिर्च कम खाते हैं तो मिर्च थोड़ा सा कम कर सकते हैं, वैसे ही चटपटा काफ़ी अच्छा लगता है। आपके पास सब्जी कम है या सब्जी नहीं है तो आप रोटी को इसके साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। अब इसके बाद हम डाल देंगे सारा हींग इसमें मिलाकर। ये सारा अद्विता एक साथ मिला दिया, एक मिनट आप इसको पकड़ो, अद्विता मेरी शूटिंग भी करवा रही है। और ये पकड़ दो, पकड़ दो, करने नहीं दे रही कभी, तो थोड़ा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बस ये इसमें ही फोकस करना, मैं मिक्स कर रही हूँ। अद्विता फिर आप मिक्स कर लेना क्योंकि वीडियो बन रही है ना बेटा। ये सारा जो भी हमने कुछ मिलाया है, ये चारों चीज हैं, बहुत ज्यादा इसमें मैथ्स नहीं है, बहुत ज्यादा इसमें टफ कुछ भी नहीं करना है। मुझे दो। तो ये सारी चीजें आप इसमें मिला लीजिए, और इक्वल क्वांटिटी इक्वल प्रोपोर्शन में होना चाहिए, कहीं पर भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई है और ये आम थोड़ा बहुत पानी खुद से भी छोड़ता है। तो आम को अद्विता, तो इस तरह से आप हींग को पूरे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आप किसी जार में रख रहे हैं या किसी में भी, उससे पहले आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और इस तरह से ये बहुत ही इजीली बनके प्रिपेयर हो जाता है और 2 से 3 दिन में खाने लायक भी हो जाता है। आप इसको 2 से 3 दिन छोड़ेंगे तो इसका जो मसाला होगा इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इस तरह के अगर शीशे के जार में आप इसको रखेंगे तो ये एक तो इसमें किसी भी तरह की स्मेल नहीं आती है, किसी भी तरह का फंगस, किसी भी तरह का ये अचार खराब होने का रिस्क कम रहता है, और काफ़ी लंबे टाइम तक आप इसको इजीली स्टोर करके रख सकते हैं। तो यहाँ माँ ने शीशे के जो जार हैं उनमें ही इनको रखा हुआ है, और ये हींग का अचार प्रिपेयर हो गया है। अब इसको हम रख देंगे एक जार में।
अब मैं मिला के उसमें डाल दूंगी। तो इसमें हमने मिला दिया है सब कुछ और एक बार मिक्स कर रहे हैं क्योंकि इसमें अच्छे से मिक्स हो रहा है, तो हमने इसमें बर्तन में डाल के मिक्स कर लिया है। हल्दी आप चाहें तो थोड़ा सा कम कर सकते हैं इसमें अपने अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। हमने थोड़ा सा ज़्यादा रखा है क्योंकि हल्दी ज़्यादा रखने से ये काफ़ी लंबे टाइम तक स्टोर करके आप इसको रख सकते हैं और ये ख़राब नहीं होता है बिल्कुल भी, सालों साल आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ऐसे बना के रख सकते हैं। जब आम का मौसम ना भी हो तो भी आप आम का ऐसे जायका ले सकते हैं। अद्विता को भी अचार काफ़ी पसंद आया, कैसे अद्विता? तो ये थोड़ा सा चटपटा, खट्टा, मीठा और बहुत ही टेस्टी होता है। तो अब इसको हम रख देंगे जार में और जार में इस तरह से रख के हमारा ये आम तैयार हो जाएगा। ये लगभग कितने दिन पहले है माँ? ये लगभग 5-6 दिन पहले का बना हुआ है। तो आप टेस्ट करके देखो। एक मिनट। तो आप देख सकते हैं ये 5 से 6 दिन में इतनी अच्छी तरह से मिल के ऐसे तैयार हो जाएगा और खाने में एकदम टेस्टी होगा। तो आप अगर इस चैनल में नए हैं और फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर आप ट्राई कर सकते हैं और ट्राई करके मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, या आम का हींग का अचार क्या इससे पहले भी आपने कभी खाया है तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, होप यू लाइक दिस वीडियो। तो इजी था ना प्रोसेस, क्विक एंड इजी, जस्ट लाइक कि आप सब्जी बना रहे हो उससे भी इजी एंड क्विक। तो आप चाहें तो कभी भी इसको ट्राई कर सकते हैं, इस सीज़न में बनाकर रख सकते हैं और प्रिजर्व करके इसको खा सकते हैं। तो होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं काफ़ी कोशिश कर रही हूँ कुछ नया कंटेंट लाने के लिए, तो मैंने 30 डेज सारी चैलेंज सीरीज़ भी स्टार्ट की है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिएगा। उसमें मैं माँ की जो साड़ीज़ हैं उनको डेली न्यू साड़ी को नए तरीके से, नए स्टफ़ को, नए फैब्रिक को पहनकर मैं वीडियो लेकर आ रही हूँ। होप कि आप लोगों को मेरी वीडियोस, मेरा कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा होगा। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। एंड यस, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।